Hello friends, welcome to my channel once again. Now there is a very important question that always comes in exam, chahe wo 12th board ho ya aapka competitive exam ho. Aise kaun se reasons the jiski wajah se Mendel ko itni success mili genetics mein? Wo genetics jo log samajh hi nahi pate the, wo Mendel itne acche se samajh ke unhe itni success bhi mil gayi, wo bhi us zamane mein. So kaun se aise reasons the? Number 1, he study inheritance of one or two characters at a time. Mendel की ये बहुत अच्छी बात थी, वो inheritance pattern जब भी पढ़ते थे, मतलब जब भी hybridization experiment करते थे, वो सिर्फ एक या दो character को consider करते थे, मतलब monohybrid या dihybrid condition लेते थे, इससे ज़्यादा नहीं लेते थे. ज़्यादा characters लेने की वजह से complications बढ़ते हैं results के अंदर. बाकी सारे scientists, बहुत सारे ऐसे scientists आए जिन्होंने hybridization experiment किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि एक एक बार में उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स ले लिए. ठीक है, सो मेंडल ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या करी, उन्होंने स्टडी की इनहेरिटेंस पैटर्न की जस्ट बाय टेकिंग वन और टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम. नंबर टू, उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसका एक रिकॉर्ड बनाया. ही मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसका पूरा एक रिकॉर्ड बना के रखा जिससे उनका जो एनालिसिस था वो बहुत आसान हो गया. तीसरा, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, उन्होंने क्वालिटी एनालिसिस की, मतलब उन्होंने फिनोटाइप कंसीडर किए, उन्होंने क्वांटिटी नहीं मेजर की. क्वांटिटी अपने आप मेजर हो जाएगी अगर आप क्वालिटी मेजर कर लोगे तो. सो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के उन्होंने इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स पढ़े. एंड लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल टूल सजेस्ट प्रेफर किया दैट वाज पी प्लांट, दैट वाज पाइसम सटाइवम. जो पाइसम सटाइवम है उसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. ये क्वेश्चन अपने आप में अलग से भी आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट एज अ टूल फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. सो नंबर वन एडवांटेज क्या है पी प्लांट का, शॉर्ट लाइफ स्पैन, छोटा लाइफ साइकिल है तो इजीली ख़त्म हो जाएगा और हम एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स पढ़ पाएंगे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन्स के बारे में पढ़ पाएंगे. दूसरा, प्रेजेंस ऑफ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. मैं जब कॉन्ट्रास्टिंग की बात करती हूँ तो मतलब मैं दो फिनोटाइप्स को बहुत ईजिली जज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, रेड एंड वाइट, अगर सपोज किसी प्लांट के अंदर मुझे फ्लावर का कलर मिल रहा है रेड और वाइट, तो या तो फूल रेड होंगे या फिर वाइट होंगे, तो दोनों अपने आप में क्या है, कंट्रास्ट हैं एक दूसरे के, बहुत इजीली दिख सकते हैं. तो जो पी प्लांट है उसके अंदर बहुत सारी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं ऐसी जिन्हें हम इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मेंडल ने देखा कि पी प्लांट के अंदर 34 है जिसमें से उन्होंने 7 सेलेक्ट करी. पी प्लांट के अंदर 34 ट्रेट्स मिलती हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलती हैं, आउट ऑफ दोज ही सेलेक्टेड ओनली 7. तीसरा एडवांटेज पी प्लांट का, पी प्लांट जो होता है इट इज़ वेरी इजी टू कल्टीवेट, उसे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, छोटा सा एरिया में बहुत इजीली पी प्लांट का कल्टीवेशन हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, पी प्लांट नेचुरली अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेल्फ पॉलिनेशन होता है पी प्लांट के अंदर, इसका मतलब जो इसके फ्लावर्स हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा, एंथर भी मिलेगा, स्टेमिन भी मिलेगा और आपका कार्पल भी मिलेगा. इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की बात करूँगी कैसे करते हैं तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा. तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि यहीं की यहीं, मतलब सेम फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाना. तो इस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने एंथर को कट करके, सेम फ्लावर के एंथर को कट करके दूसरे एंथर से पॉलन ग्रेन्स डस्टिंग करी जिससे हाइब्रिडाइजेशन हो पाया. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया. एंड लास्ट पॉइंट, ही वॉज वेरी लकी टू गेट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है
ये कंसेप्ट मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है टू हैव ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने जो एक बार में दो कैरेक्टर्स कंसीडर किए वो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स में होते थे, इसीलिए उन्हें जो क्रॉसिंग ओवर थी वो मैक्सिमम मिली। और क्रॉसिंग ओवर अगर मैक्सिमम मिलेगी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मैक्सिमम मिलेगा, और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिलेगा तो डाई हाइब्रिड के केस में रेशो मिल जाएगा 9:3:3:1, जिसके बारे में हम डिटेल में डाई हाइब्रिड क्रॉस में बात करेंगे। तो फिर से सुन लीजिए, इन्हें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिली थी लकीली क्योंकि इन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे उसमें से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, और अगर कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो उनके क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे मतलब वेरिएशंस बढ़ जाएंगे, वेरिएशंस बढ़ जाएंगे तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो इस रेशो में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लिंकेज कम हो जाएगा और क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उस केस में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट हाउ द मेंडल गॉट सक्सेस इन इट्स एक्सपेरिमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव अ लाइक टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।